Hello friends, today we will discuss the Super 30 Multiple Choice Questions of Number 2020 Education Paper 2. And we will discuss all the four options in detail. Let's start. Question 1. In the development stages of reading, when the child becomes aware of the ways in which the letters are combined leading to distinct sounds, is referred to as symbolic stage, orthographic stage, landing stage or पिक्टोरियल स्टेज। इसमें डेवलपमेंट स्टेज की इसकी बात की गई है रीडिंग की, जिसमें चाइल्ड बिकम्स अवेयर ऑफ द वेज इन विच लेटर्स आर कम्बाइंड टू डिस्टिंग साउंड्स, इज रेफर टू अ सिम्बॉलिक स्टेज, ऑर्थोग्राफिक स्टेज, ब्लेंडिंग स्टेज और पिक्टोरियल स्टेज। पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि ये चार स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं। ऊटा फ्रिथ ने हमें ये बताया था कि डेवलपमेंट जो स्टेजेस ऑफ रीडिंग है उनको UTFRITH एक उन्होंने बताया था। सबसे पहली स्टेज होती है सिंबॉलिक स्टेज। सिंबॉलिक स्टेज में क्या होता है कि सिंबॉलिक स्टेज में जैसे एक नाम बोलते हैं, या इसको लोगोग्राफिक स्टेज भी कहा जाता है। सिंबॉलिक स्टेज और लोगोग्राफिक स्टेज। लोगो मीन्स ए सिंबल्स, लोगो का मतलब है कोई सिंबल। चाइल्ड इनिशियली गैसिंग स्टार्ट करता है, चाइल्ड को किसी विजुअल ऑब्जेक्ट के लिए गैसिंग स्टार्ट करता है। जैसे कि उसे एम दिखता है तो वो मैकडोनल्ड समझता है। अब जैसे वर्ड है ट्रेन, वो देख रहा है ट्रेन को, वो देख रहा है और वहां पर लिखा है अगर TRAM ट्रैम, तो वो उन दोनों वर्ड को सेम समझने लगता है जैसे TRA। सबसे पहले यहां पर बच्चा वर्ड्स को सिंबलाइज करने की कोशिश करता है, तो ये हो गई है सिंबॉलिक स्टेज। दिस इज सिंबॉलिक स्टेज। अब बात करते हैं पिक्टोरियल स्टेज। पिक्टोरियल स्टेज में भी क्या है, वो पिक्चर्स को देखता है और सिंबलाइज करने की कोशिश करता है। अब ऑर्थोग्राफिक स्टेज की बात करते हैं। ऑर्थोग्राफिक स्टेज क्या होती है, दिस ये एक एडवांस स्टेज है। दिस इज एन एडवांस स्टेज, जहां हम इस लेवल पर जैसे पहुंचने की कोशिश करते हैं। यहां पर वर्ड को एज ए होल रिकॉग्नाइज करता है, एज ए होल, एज ए होल। एक होती है अल्फाबेटिक स्टेज, जैसे कोई वर्ड लिखा हुआ है अल्फाबेटिक स्टेज। अल्फाबेटिक स्टेज में क्या होता है कि कोई लेटर बाय लेटर, वो लेटर बाय लेटर पढ़ता है। जैसे वर्ड लिखा हुआ है यहां पे सपोज स्कूल, COAL, तो वो इसे COAL या इस तरह से पढ़ेगा। सिंबॉलिक स्टेज में एडवांस स्टेज होती है अल्फाबेटिक स्टेज, लेटर बाय लेटर इसमें पढ़ने की कोशिश पड़ता है। ऑर्थोग्राफिक स्टेज एक एडवांस रीडिंग एबिलिटी स्टेज है, इसके अंदर वर्ड को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं एज ए होल। और ब्लेंडिंग स्टेज है, ब्लेंडिंग स्टेज में क्या होता है, ब्लेंड, जैसे एक वर्ड है स्मोग, SMOG, तो ये बना हुआ है दो शब्दों से मिलकर, स्मोक और एंड फॉग, तो दो वर्ड को मिलकर एक वर्ड बना है। दो इंडिविजुअल साउंड से हम एक साथ लेकर आते हैं और इसी को हम बोलते हैं ब्लेंडिंग स्टेज। तो अब हमने जो हमारा क्वेश्चन उसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, इन द डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ रीडिंग व्हेन द चाइल्ड बिकम्स अवेयर ऑफ द वेज इन विच द लेटर्स आर कंबाइंड लीडिंग टू डिस्टिंक्ट साउंड इज रेफर टू एज ऑर्थोग्राफिक स्टेज। So the correct answer is option 2, orthographic stage. यह हमने थ्योरी में भी समझाया हुआ, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। Uta Frith's theory on the stages of the acquisition of written language derived mainly through her research and practice into how children learn to read. It is widely accepted as the standard model of reading acquisition in alphabetic systems. इन्होंने तीन स्टेजेस की बात की थी। The stages are लोगोग्राफिक स्टेज,
अल्फाबेटिक स्टेज एंड ऑर्थोग्राफिक स्टेज। यहाँ जैसे हमने जो पहले बताया था, ये है लोगोग्राफिक स्टेज। लोगोग्राफिक स्टेज में जैसे बताया था, ये सिंबॉलिक स्टेज की तरह होती है। द चाइल्ड प्रोसेसेस वर्ड्स। In the same way as any other visual object or symbol and recognizes them instantly. जैसे अगर उसे कहीं M लिखा दे रहा है तो वो समझेगा McDonald's। ये एक initial stage है। Second is alphabetic stage। यहाँ पे क्या, in this stage the child needs to visually represent words in a different format from other objects or symbols। जैसे कि कोई word लिखा हुआ है cat, तो वो इस तरह से recognize करेगा letter by letter। सी ए टी। लेटर ऑर्डर एंड फोनोलॉजिकल फैक्टर्स प्ले क्रूशियल रोल। रीडर्स बिगिन टू डेवलप वर्ड अटैक स्किल्स एंड स्टार्ट टू डिकोड अनफेमिलियर एंड इवन नॉन वर्ड्स। देयर हैज बीन सम डिबेट ऑन वेदर चिल्ड्रन रिएक्ट दिस स्टेज एज पार्ट ऑफ नेचुरल डेवलपमेंट और वेदर द एक्ट ऑफ लर्निंग टू रीड स्टिमुलेट्स द डेवलपमेंट ऑफ अल्फाबेटिक स्किल्स। थर्ड इज द ऑर्थोग्राफिक स्टेज। दिस इज एन एडवांस स्टेज। दिस स्टेज इज रीच्ड व्हेन रीडर्स डू नॉट नीड टू साउंड आउट वर्ड्स ऑन ए रेगुलर बेसिस बट कैन रिकॉग्नाइज ए लार्ज नंबर ऑफ वर्ड्स ऑटोमेटिकली एंड इंस्टेंटली एक्सेस देयर मीनिंग्स मैचिंग देम टू एन इंटरनल लेक्सिकॉन दैट दे हैव बिल्ट इन द प्रीवियस स्टेजेस। जैसा कि हमने बताया था कि ऑर्थोग्राफिक स्टेज एक एडवांस रीडिंग एबिलिटी स्टेज है, इसके अंदर वर्ड को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं एज ए होल। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेंशन्ड इंक्लूसिव एजुकेशन एज टू इंटीग्रेट द हैंडीकैप्ड विद द जनरल कम्युनिटी एट ऑल लेवल्स एज इक्वल पार्टनर्स टू प्रिपेयर देम फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड टू एनेबल देम टू फेस लाइफ विद करेज एंड कॉन्फिडेंस। First is World Declaration on Education for All 1990. Second, Rehabilitation Council of India Act 1992. Third is National Policy of Education 1986. And fourth is Scheme of Integrated Education for Disabled Children 1974. अब पहले हम बात करते हैं World Declaration on Education for All. ये क्या कहता है? World Declaration on Education for All. It says that every person, child, youth and adult shall be able to benefit from educational opportunities designed to meet their basic learning needs. These needs comprise both essential learning tools such as literacy, oral expression, numeracy and problem solving, and the basic learning content such as knowledge, skills, values, attitudes required by human beings to be able to survive, to develop their full capacities, to live and work in dignity, to participate fully in development, to improve the quality of their lives, to make informed decisions and to continue learning. The satisfaction of these needs empowers individuals in any society and confers upon them a responsibility to respect and build upon their collective cultural, linguistic and spiritual heritage, to promote the education of others, to further the cause of social justice, to achieve environmental protection, to be tolerant towards social, political and religious systems which differ from their own, ensuring that commonly accepted humanistic values and human rights are upheld, and to work for international peace and solidarity in an interdependent world. Rehabilitation Council of India kya kehta hai? It was set up as a registered society in 1986. On September 1992, the RCI Act was enacted by the Parliament. It became a statutory body on 22nd June 1993. इसमें जो सबसे important बात ये है, the mandate given to RCI is to regulate and monitor services given to persons with disability, to standardize syllabi and to maintain a central rehabilitation register of all qualified professionals and personnel working in the field of rehabilitation and special education. National Policy of Education NP 1986 envisaged some measures for integration of children with physical and mental handicap with the general community as equal partners
preparing them for their normal growth and development, and enabling them to face life with courage and confidence. और IECDC क्या कहता है, इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम विच एम्स टू प्रोवाइड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज टू द नॉट सो एबल्ड चिल्ड्रन. इट हैज बीन रिगार्डेड एज वन ऑफ द मेजर इनिशिएटिव्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट इंटीग्रेटेड एजुकेशन, एंड प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड इन 1974 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर सेंट्रल गवर्नमेंट. अब हम अपना क्वेश्चन पर चलते हैं. तो क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंशन्ड इंक्लूसिव एजुकेशन हैज टू इंटीग्रेट द हैंडीकैप्ड विद द जनरल कम्युनिटी एट ऑल लेवल्स एज इक्वल पार्टनर्स टू प्रिपेयर देम फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड टू एनेबल देम टू फेस लाइफ विद करेज एंड कॉन्फिडेंस. तो इसमें बात ये जो कही है, ये नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986. सो द करेक्ट आंसर इज NPE 1986, दैट इज ऑप्शन 3. Now we move to question 3. Sarv Shiksha Abhiyan adopted which of the following policies? Zero resource room policy, zero rejection policy, zero acceptance policy and zero home-based education policy. Ab Sarv Shiksha Abhiyan kya hai? Sarv Shiksha Abhiyan, it is a Government of India's flagship program for the achievement of universalization of elementary education UEE in a time-bound manner, as mandated by 86th Amendment to the Constitution of India, making free and compulsory education to the children of 6 to 14 years age group a fundamental right. SSA is being implemented in partnership with state governments to cover the entire country and address the needs of 192 million children in 1.1 million habitations. And this program seeks to open new schools in those habitations which do not have schooling facilities and strengthen the existing school infrastructure through provision of additional classrooms, toilets, drinking water, maintenance grant, school improvement grants. And existing schools with inadequate teacher strength are provided with additional teachers, while the capacity of existing teachers is being strengthened by extensive training, grants for developing teaching learning materials and strengthening of the academic support structure at a cluster, block and district levels. And it has a special focus on girls' education and children with special needs. It seeks to provide computer education to bridge the digital divide. And it adopted, Sarv Shiksha Abhiyan adopted the zero rejection policy. So the correct answer is option 2. Now we move to next question. In United Nations Convention as the Rights of Persons with Disability UNCRPD report, the right to education has been discussed in which article? Isme char articles diye hue hain, 40, 20, 42 and 24. Pehle hum sab pata hone chahiye. Article jo 40 ke ye baat karta hai, it talks about Conference of State Parties. Article 42, it talks about signature. इसमें क्या क्या signature दिए हुए हैं. Article 20 talks about personal mobility. And Article 24, it talks about education. So the correct answer to this question is option 24. This is Article 24, Education. State parties recognize the rights of persons with disabilities to education with a view to realizing this right without discrimination and on the basis of equal opportunity. State parties shall ensure an inclusive education system at all levels and lifelong learning directed to. Ye sare points hain diye gaye hain. If you want, you can take the screenshot. Article 42 is concerned with signature. The present convention shall be open for signature by all states and by regional integration organizations at the United Nations headquarters in New York as of 30 March 2007. Article 20 is concerned with personal mobilities. State parties shall take effective measures to ensure personal
mobility with the greatest possible independence for persons with disabilities. And Article 40 is concerned with conference of state parties. So the correct answer is option 4, that is Article 22. Right to education has been discussed in Article 24, sorry. Now we move to next question. For education is CWS and children with special needs, the concept of inclusive education as laid down in SSA was based upon integration model, medical model, multi-option model or international model. A right to free and compulsory education act 2009 mandates free and compulsory elementary education to all children including children with special needs. And this act provides a legal framework that entitles all children between the age is of 6 to 14 years free and compulsory admission, attendance and completion of elementary education. Ab hum ye discuss kar lete hain option ko. Integration means is placing persons with disabilities in existing mainstream education without changing the system of education delivery. Medical model is used to justify a wide range of educational strategies in special education, and it has a major influence on special education methods and strategies. The model is based on the view that learning problems are the result of some organic disorder or disease. ये कहता है कि learning problems जो है ये medical disabilities की वजह से होती हैं, and that disability it is a biological product. And this is deficit within the individual, and this problem can or should be fixed, allowing the person to be able to function in society. Multi-option model क्या कहता है? Multi-option model of inclusion is up and running, and states across the country are adopting their methods, approaches, and strategies to successfully implement the policy in order to achieve the highest goal of inclusive education for all. It is a teaching methodology that allows students to choose the format in which they will attend the class. इसमें students को choice होती है कि वो किस format में class को attend करना चाहते हैं. If they want to attend the class weekly, they have the choice of attending the face-to-face session, joining synchronously online or viewing the class asynchronously. Also, the multi-option education structure, it includes regular schools, EGS, AI, Education Guarantee Scheme, Alternative and Education, Innovative Education and Home-Based Education. अब International Education एक option था, वो क्या कहता है? International Education is about the mobility of students and scholars who go to another part of the country, of the world, to study, research or teach. जो हम दूसरे देशों में students जाते हैं वहाँ study करने के लिए, research या teaching करने के लिए. इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि education to further knowledge and cultural capital, learning about the places and cultures and gaining intercultural skills in the process. So, इससे अब हमें बिल्कुल clear हो जाता है, for education of children with special needs, the concept of inclusive education as laid down in SSA was based upon multi-option model. Now we move to question 6. Which of the following open educational resources comes under the ambit of Indian initiatives? Coursera, EDC, eGyankosh or OpenStax? Ab open educational resources kya hote hain pehle hum ye pata hona chahiye. Open educational resources are teaching, learning and research materials in any medium, digital or otherwise, that reside in the public domain or have been released under an open license that permits no cost access, use, adaptation and redistribution by others with no or limited restrictions. Open educational resources are freely accessible, openly licensed text, media and other digital assets that are useful for teaching, learning and assessing as well as for research purposes. Isme kya kya cheeze aa jati hain? Resources, it includes full courses, course materials, modules, learning objects, open textbooks, open licensed, open streamed videos, tests, softwares and other tools, materials or techniques used to support access to knowledge. Ab eGyankosh, it is a national digital repository dealing with total 22 schools across the country, and it is rights are maintained by IGNU. Coursera, it is an American massive open online course provider founded in 2012 by Stanford University computer science professors.
At C is Ecole Doctorale des Sciences d'Environnement. It is a French graduate school of environmental science, France ka initiative hai. OpenStax, it is a non-profit educational technology initiative based at Rice University. तो इसमें जो ऑप्शन आ रहा था करेक्ट इंडियन एम्बिट ऑफ इंडियन इनिशिएटिव्स में है आंसर इज ई ज्ञान कोश दैट इज ऑप्शन 3. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. एन इंक्वायरी ओरिएंटेड एक्टिविटी इन विच द इंफॉर्मेशन कम्स फ्रॉम रिसोर्सेज ऑन द इंटरनेट ऑप्टिमली सप्लीमेंटेड विद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज कॉल्ड डिजिटल टेक्नोलॉजी BYOD ब्रिंग योर ओन डिवाइस वर्चुअल लर्निंग और वेब क्वेस्ट. अब पहले हमें इन सब टर्म्स को डिस्कस करना होगा. इंक्वायरी ओरिएंटेड एक्टिविटी क्या होती है. इंक्वायरी ओरिएंटेड एक्टिविटी इज अ प्रोसेस दैट एंगेजेस स्टूडेंट्स बाय मेकिंग रियल वर्ल्ड कनेक्शंस थ्रू एक्सप्लोरेशन एंड हाई लेवल क्वेश्चनिंग. इसमें हमेशा क्वेश्चनिंग की जाती है इंक्वायरी में. इट इज एन अप्रोच टू लर्निंग दैट एनकरेजेस स्टूडेंट्स टू एंगेज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है. इट इज अ लाइव वीडियो बेस्ड मीटिंग बिटवीन टू और मोर पीपल in different locations using video enabled devices. It allows multiple people to meet and collaborate face to face long distance by transmitting audio, video, text and presentations in real time through the internet. And a web quest, it is a inquiry oriented lesson format in which almost all the information or most of the information that learners work with the comes from the web. This can be created using various programs including a simple word processing document that includes link to websites. It is a valuable tool to use with the students. It allows the students to work at their own pace either individually or in team. WebQuest, according to Bernie Dodge, who is the originator of the WebQuest. It is an inquiry oriented activity in which most or all of the information used by the learner is drawn from the web. Digital technologies, they are the electronic tools, systems, devices and resources that generate, store or process data. And some examples of digital technology include GPS, 5G and virtual reality, smartphones, artificial intelligence, cloud, Bitcoin, etc. And BYOD, which means bring your own device, it is an IT policy that allows and sometimes encourages employees to access enterprise data and systems using personal mobile devices such as smartphones, tablets and laptops. And what is virtual learning? Virtual learning is a learning experience that is enhanced through utilizing computers and or are the internet both outside and inside the facilities of the educational organization. And now we move to our question. An inquiry-oriented activity in which the information comes for the resources on the internet, optimally supplemented with video conferencing. Iska correct answer hai, that is option 4, that is WebQuest. Question 8. When teaching learning material is introduced offline so that the learners can access the content anytime before the class starts and can write down their questions, problems which can be asked during the classroom is called. Jab shikshan adhigam samagri ko offline roop se prastut kiya jata hai taki adhigam karta कक्षा के आरंभ होने से पहले विषय वस्तु तक पहुंच सके तथा उससे अपने उन प्रश्नों समस्याओं को लिख सके जिन्हें कक्षा में पूछ सके उसे क्या कहा जाता है. नाउ वी विल डिस्कस ऑल दीज टर्म्स. वर्चुअल क्लासरूम, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस्ड फ्लिप क्लासरूम. फ्लिप क्लासरूम एक ब्लेंडेड लर्निंग होती है वेयर स्टूडेंट्स आर इंट्रोड्यूस्ड टू द कंटेंट एट होम एंड प्रैक्टिस वर्किंग थ्रू इट एट स्कूल. दिस इज द रिवर्स ऑफ द मोर कॉमन प्रैक्टिस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू कंटेंट एट स्कूल then assigning homework and projects to complete it by the students independently at home. The principal goal of flipping are as follows: to make the classroom an active learning environment, to enable students to learn at their own pace and to give the instructor more time to teach a student individually rather than as a class as a whole. Flipped classrooms replace teacher lectures with instructional material, often a video that students watch and interact with at home. They apply what they learned in the class the next day through a variety of activities or assignments that could once have been homework, with the teacher working as a coach or guide. Google Classroom, it is a learning management system that aims to simplify creating, distributing and grading assignments
एंड एंगेजिंग स्टूडेंट्स इन लर्निंग ऑनलाइन और रिमोटली. ये गूगल ऐप ने इंट्रोड्यूस किया था, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज ए फीचर ऑफ गूगल ऐप फॉर एजुकेशन फॉलोइंग इट्स पब्लिक रिलीज ऑन August 12. गूगल क्लासरूम इट इज ए फ्री ब्रांडेड लर्निंग प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय गूगल फॉर स्कूल्स दैट एम्स टू सिंप्लीफाई क्रिएटिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड ग्रेडिंग असाइनमेंट्स. ट्रेडिशनल क्लासरूम आपको पता ही है वेयर अ टीचर मॉडरेट्स एंड रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज. वर्चुअल क्लासरूम इट इज अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल वेयर इंस्ट्रक्टर्स एंड पार्टिसिपेंट्स एंगेज विद ईच अदर एंड विद द लर्निंग मटेरियल. वर्चुअल क्लासरूम इज अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल वेयर इंस्ट्रक्टर्स एंड पार्टिसिपेंट्स एंगेज विद ईच अदर एंड विद द लर्निंग मटेरियल. Enrich the learning experience with screening, sharing, and virtual whiteboard features. Divide the participants into breakout rooms, which the instructors can join. So the correct answer of this question is flipped classroom. Question 9. WBL stands for white-based learning, web-based learning, web-biased learning, and this is a very easy question. Correct answer is web-based learning. Web-based learning refers to the type of learning that uses the internet as an instructional delivery tool to carry out various learning activities. These are mentioned. You can take the screenshot also. Question 10. For a group of adult learners, a trainer provides information to enable them to understand the information for indicating acceptability or non-acceptability of their responses. This will be technically called providing prompts for emission of correct behavior, feedback of the given response, judging the value of information, or information linkage device. यहाँ पे एक प्रशिक्षक प्रौढ़ अधिगमकर्ताओं के समूह को उनके उत्तरों की स्वीकारता अस्वीकारता को इंगित करने के लिए सूचना के अवबोध में सक्षम बनाने के लिए सूचना प्रदान करता है. अब एक ट्रेनर सूचना देता है कि उनके रिस्पॉन्सेस को क्यों एक्सेप्ट किया जा रहा है और क्यों उनके रिस्पॉन्सेस को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है. और ट्रेनर क्या प्रोवाइड करा रहा है. पहला ऑप्शन है जैसे प्रॉम्प्ट्स फॉर. प्रॉम्प्ट्स का मतलब होता है कि हिंट देना. आपका रियल बिहेवियर सामने निकल गया तो वो क्या आपको प्रॉम्प्ट दे रहा है, जस्ट कोई हिंट दे रहा है. दूसरा ऑप्शन है फीडबैक ऑफ द गिवन रिस्पॉन्स. तीसरा है जजिंग द वैल्यू. जजिंग की यहाँ पे बात ही नहीं की जा रही है. एंड फोर्थ ऑप्शन इज इंफॉर्मेशन लिंकेज डिवाइस. यहाँ कोई डिवाइस का भी जिक्र नहीं हो रहा है. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, दैट इज फीडबैक ऑफ द गिवन रिस्पॉन्स. एडल्ट एजुकेशन इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम चाइल्ड एजुकेशन. इट इज अ प्रैक्टिस इन विच एडल्ट्स एंगेज इन सिस्टमैटिक एंड सस्टेन्ड सेल्फ एजुकेटिंग एक्टिविटीज इन ऑर्डर टू गेट न्यू फॉर्म्स ऑफ नॉलेज स्किल्स एटीट्यूड्स और वैल्यूज. यहाँ पे हमने एडल्ट एजुकेशन का थोड़ा डिस्कशन किया है, इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं आप. दीज आर द सिक्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडल्ट लर्नर्स अकॉर्डिंग टू मैल्कम नोल्स. एडल्ट लर्निंग इज सेल्फ डायरेक्टेड autonomous, it utilizes knowledge and life experience, it is goal directed, relevancy oriented, highlights practicality and encourages collaboration. So, yahan pe correct answer is option 2. Now we move to question 11. Who has proposed that organization shall eliminate the need of quality control after the process? Edward Deming, Walter Shewart, C.K. Prahlad and Popeyeoke. किसने सुझाव दिया है कि संगठन प्रक्रिया के उपरांत गुणवत्ता नियंत्रण की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी? एडवर्ड डेमिंग, वाल्टर शेवर्ट, सी.के. प्रहलाद और पोकायोके. सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं इन टर्म्स को और इनके जो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं. पोकायोके, पोकायोके का मतलब होता है ये एक पोकायोके इट इज़ ए जापानीज टर्म. ये एक जापानीज फ्रेज है. That means error prevention. Poka means error, त्रुटि. And yoke means prevention, निवारण. तो poka yoke का मतलब होता है त्रुटि निवारण. पोकायोके इज ए जापानीज
phrase that means error prevention. It was developed in the 60s of the previous century by Shigo Shingo from Japan. He was an engineer at the Toyota car factory. The Toyota production system is still the most effective manufacturer using Poka-Yoke today and comes closer to error-proof manufacturing. Poka-Yoke एक जापानी मुहावरा है जिसका अर्थ है त्रुटि निवारण। इसे पिछली सदी के 60 के दशक में जापान के शिगेओ शिंगो द्वारा विकसित किया गया था। वे टोयोटा कार फैक्ट्री में इंजीनियर थे। टोयोटा उत्पादन प्रणाली आज भी पोकायोके का उपयोग करने वाली सबसे प्रभावशाली निर्माता है और त्रुटि प्रूफ निर्माण के करीब आता है। प्रक्रिया के बाद मानव गुणवत्ता नियंत्रण को समाप्त करने औद्योगिक इंजीनियरिंग में उत्पादन प्रक्रिया के दौरान दोषों को रोकने और उन्हें हल करने में इसका उपयोग किया जाता है। दिस मेथड इज यूज टू प्रिवेंट डिफेक्ट्स एंड रिजॉल्व देम ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एलिमिनेटिंग ह्यूमन क्वालिटी कंट्रोल आफ्टर द प्रोसेस एंड Poka-Yoke इज ए फ्रीक्वेंटली यूज मेथड इन लीन मैन्युफैक्चरिंग एंड Six Sigma to measure as to ensure as little errors in a production process as possible. As a Poka is an inadvertent error and Yukeru is a Japanese for preventing. Poka का जैसे कि हमने बताया अर्थ है त्रुटि और Yoke means preventing. पोका एक अनजाने में हुई त्रुटि है और रोकथाम के लिए योकेरु शब्द का प्रयोग किया गया। Poka-Yoke प्रसंस्करण त्रुटियों को व्यावहारिक रूप से असंभव बनाता है। यह गलतफहमियों और मानवीय त्रुटि के लिए कोई जगह नहीं छोड़ते हुए कार्य को सही ढंग से करने के लिए बाध्य करता है। यह उन उपायों के बारे में जो आगे की त्रुटियों को होने से रोक सकते हैं। इट फोर्सेज एक्शंस टू बी कैरिड आउट करेक्टली लिविंग नो रूम फॉर मिसअंडरस्टैंडिंग्स और ह्यूमन एरर। इसमें जो है 5 स्टेजेस होती हैं, इनको आप लिख सकते हैं इम्प्लीमेंटिंग Poka-Yoke स्टेजेस फॉर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट। इसको आप शॉर्ट में लिख लीजिए DMAS, DMAIS। डी मीन्स डिफाइन। ड्यूरिंग दिस फेज द प्रॉब्लम कॉजिंग द डिफेक्ट इज डिस्क्राइब्ड एंड डिफाइंड। M means measure, the measuring stage. It is applied in case of complex problems in the production process. A test is used to discover how the problem occurs. A means analyze. During this stage becomes clear whether a Poka-Yoke measure can be applied. I means improve. During this phase analysis is used to deal with the cause of the problem. And C means control. During this stage the effect of the changes is measured. अब हम other options भी discuss कर लेते हैं और थे C के प्रहलाद। सी के प्रहलाद मीन कोयम्बटूर कृष्णराव प्रहलाद। ही वॉज अ कॉरपोरेट एंड सोशल स्ट्रेटेजिस्ट एजुकेटर एंड ऑथर। इम्प्लीमेंटिंग दिस एंड प्रहलाद वॉज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बिगनिंग थिंकर्स एंड वन ऑफ द मोस्ट बिलव्ड टीचर्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन एंड इट हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन बिजनेस एंड बिजनेस एजुकेशन अराउंड द वर्ल्ड। He created the base of the pyramid idea and changed the way the world viewed India's economic potential. Walter Andrew Shewhart, he was an American physicist, engineer and a statistician, sometimes known as the father of statistical quality control. इन्होंने भी quality control में काफी काम किया है. And William Edward Stemmings, he was also an American engineer, statistician, professor, author, lecturer and management consultant. And Deming is best known for his work in Japan after World War II, particularly his work with the leaders of the Japanese industry. And he delivered a speech called on Statistical Productive Quality Administration. अब हम question की ओर चलते हैं। Who has proposed that organization shall eliminate the need of quality control after the process? So it becomes clear that the answer is option 4, that is Poka-Yoke. Now we move to next question, question 12. Which of the following statements represents the rationale underlying the span of control? निम्नलिखित में से कौन सा कथन नियंत्रण कालावधि के अंतर्निहित तर्क को दर्शाता है? One can work effectively for a period of time,
कोई व्यक्ति कतिपय कालावधि हेतु प्रभावी ढंग से कार्य कर सकता है, वन कैन वर्क विद ए स्मॉल नंबर ऑफ पीपल, कोई व्यक्ति कम संख्या में लोगों के साथ कार्य कर सकता है, वन कैन मेक ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल टू वर्क इफेक्टिवली, कोई व्यक्ति प्रभावी ढंग से कार्य करने हेतु लोगों का लघु समूह बना सकता है, वन कैन कंट्रोल ए लार्ज ग्रुप ऑफ वर्कर्स, कोई व्यक्ति लोगों के बड़े समूह को नियंत्रित कर सकता है। अब इसमें हम डिस्कस करते हैं डिटेल में, स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है। स्पैन ऑफ कंट्रोल ऑल्सो कॉल्ड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, इसको स्पैन ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है। इट इज द टर्म यूज्ड इन बिजनेस मैनेजमेंट, पार्टली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में इसका प्रयोग किया जाता है। द टर्म रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स और डायरेक्ट रिपोर्ट्स ए सुपरवाइजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। इन सिंपल वर्ड्स, स्पैन ऑफ कंट्रोल मीन्स द मैनेजर नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स इज सुपीरियर, ए मैनेजेस, द बिगर द नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट मैनेजर कंट्रोल्स, द ब्रॉडर इज हर और हिज स्पैन ऑफ कंट्रोल। इट एंटेल्स द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ए मैनेजर एक्चुअली मैनेजेस, द ग्रेटर द स्कोप ऑफ कंट्रोल द मोर द मैनेजर हैज टू सुपरवाइज हिज हर एम्प्लॉयज वर्क। इफ द मैनेजर ऑल्सो हैज एम्प्लॉयज हु आर अनेबल टू वर्क इंडिपेंडेंटली, देन इट बिकम्स क्वाइट द जॉब टू मैनेज ऑल द एम्प्लॉयज इन द राइट वे, विच इज वाई गलिक Urvik stated that the most effective way is to assign 3 to 6 employees to each manager. जो American political scientist थे Luther Gulick, उन्होंने बताया था कि British management consultant और थे Lindwell Urvik, इन्होंने बताया था कि the most effective way to assign 3 to 6 employees to each manager. और इन्होंने एक term भी बताई थी Potscorp. पॉट्सकॉर्प का मतलब होता है वेयर पी स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग, एस फॉर स्टाफिंग, डी फॉर डायरेक्टिंग, सी फॉर कोऑर्डिनेटिंग, ओ फॉर सी ओ फॉर कोऑर्डिनेटिंग, आर फॉर रिपोर्टिंग एंड बी फॉर बजटिंग। तो इसका आंसर भी हमारा जो हुआ, Which of the following represents this rational underlying span of control is, one can make a small group of people to work effectively. That is option 3. Now we move to next question. The main limitation of bureaucratic management is, the bureaucratic management hai uski kya limitation hai? Work efficiency gets questioned. Karyakshamta par prashn chinh lag jata hai. Work procedure gets thwarted. Karya prakriya mein adchane paida hoti hai. Workers have no choice in work procedure. कार्मिकों को कार्य प्रक्रिया में कोई चयन अवसर नहीं होता। ऑब्जर्विंग रूल्स एंड रेगुलेशंस विदाउट एम्फसाइजिंग वर्क प्रोसीजर, कार्य प्रक्रिया पर बल दिए बगैर नियमों तथा विनियमों को लागू करना। मैक्स वेबर का जैसे हमने बताया कि इन्होंने ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट दी है, एंड इट प्रपोजेस दैट द बेस्ट वे टू रन एन ऑर्गेनाइजेशन इज टू स्ट्रक्चर इट इंटू रिजिड हायरार्की ऑफ पीपल गवर्न्ड बाय स्ट्रिक्ट रूल्स एंड प्रोसीजर्स। Bureaucratic management theory developed by Max Weber contained two essential elements, including structuring an organization into a hierarchy and having clearly defined rules to help govern an organization and its members. Max Weber के प्रबंधन में नौकरशाही सिद्धांत का प्रस्ताव है कि किसी संगठन को चलाने का सबसे अच्छा तरीका सख्त नियमों और प्रक्रियाओं द्वारा शासित लोगों के एक कठोर पदाक्रम में इसकी संरचना करना है। मैक्स वेबर ने दो बातें बताई थी कि जो आवश्यक तत्व शामिल थे, पहला जिसमें एक संगठन को एक पदानुक्रम में संरचित रख करना है, दैट इज ए रिजिड हायरार्की ऑफ पीपल गवर्न्ड बाय स्ट्रिक्ट रूल्स एंड प्रोसीजर्स, एंड देयर शुड बी क्लियरली डिफाइंड रूल्स टू हेल्प गवर्न ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स मेंबर्स, और एक संगठन और उसके सदस्यों को नियंत्रित करने में मदद करने के लिए स्ट्रक्ट रूप से परिभाषित नियम उन्होंने बताए थे। अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, देयर आर 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी, टास्क स्पेशलाइजेशन, हायरार्किकल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, फॉर्मल सिलेक्शन रूल्स, एफिशिएंट एंड यूनिफॉर्म रिक्वायरमेंट्स, इंपर्सनल एनवायरमेंट एंड अचीवमेंट बेस्ड एडवांसमेंट। अब इसमें जो लिमिटेशंस थी इसकी वो थी 3, rigidity, rules and regulations in a bureaucracy are often rigid and inflexible, कठोरता, नौकरशाही में नियम और कानून अक्सर कठोर और अनम्य होते हैं,
Second is goal displacement, lakshya visthapan. Rules framed to achieve organizational objectives at each level become an end to themselves. प्रत्येक स्तर पर संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बनाए गए नियम स्वयं के लिए एक अंत बन जाते हैं. इम्पर्सनैलिटी, अव्ययिकता. एक नौकरशाही संगठन चीजों को करने के एक यांत्रिक तरीके पर जोर देता है. ए ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट स्ट्रेसेस ए मैकेनिकल वे ऑफ डूइंग थिंग्स एंड द मेन लिमिटेशन ऑफ ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट इज दैट वर्क प्रोसीजर गेट्स थॉर्टेड. थॉर्ट का मतलब होता है ब्लॉक अचीवमेंट ऑफ ए गोल. नौकरशाही प्रबंधन की मुख्य सीमा यह है कि कार्य प्रक्रिया विफल हो जाती है. विफलता करते लक्ष्य की उपलब्धि को रोकना. दिस का थॉट का मतलब यही होता है ब्लॉक अचीवमेंट ऑफ ए गोल, लक्ष्य की उपलब्धि को रोकना. अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. द मेन लिमिटेशन ऑफ ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट इज द वर्क प्रोसीजर गेट्स थॉर्टेड. कार्य प्रक्रिया में अड़चने पैदा होती है. दैट इज ऑप्शन टू. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू, वर्क प्रोसीजर गेट्स थॉर्टेड. Now we move to next question. Which among the following is best suited for assessment of social skills? सामाजिक कौशल के आकलन के निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? Checklist, जांच सूची, रेटिंग स्केल, निर्धारण मापनी, न्यूमेरिकल स्केल, आंकिक मापनी या नियमावली रब्रिक्स. अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं. सबसे पहले रेटिंग स्केल. रेटिंग स्केल इज डिफाइंड एज ए क्लोज स्टैंडर्ड सर्वे क्वेश्चन यूज टू रिस्पॉन्ड feedback in a comparative form for specific particular features, products, services. जैसे कि हम rating scale को use करते हैं, it is used for assessing the performance of task, skill levels, procedures, processes, quality. जैसे 5-point rating scale है, या Likert scale है, 1-10 rating scale होता है. 5-point suppose आप कर रहे हो तो इसमें आप rating दोगे 5, 4, 3, 2, 1. जैसे वेरी गुड, गुड, न्यूट्रल, पुअर, वेरी पुअर, इस तरह से. नेक्स्ट इज चेकलिस्ट, जांच सूची. इसमें क्या होता है, हम चेक करते हैं. चेकलिस्ट सर असेसमेंट टूल्स दैट सेट आउट स्पेसिफिक क्राइटेरिया विच एजुकेटर्स एंड स्टूडेंट्स में यूज टू गॉज स्किल डेवलपमेंट और प्रोग्रेस. चेकलिस्ट सेट आउट स्किल्स, एटीट्यूड, स्ट्रेटजीज एंड बिहेवियर्स फॉर इवेल्युएशन एंड ऑफर ways to systematically organization information about a student or a group of students. एक list of things है all that you need to, कि क्या क्या करना है. Information that you want to find out or things that you need to take somewhere which you make in order to ensure that you do not forget anything. This is checklist. जैसे एक teacher use कर सकता है, for example a checklist to observe the students. ए रूब्रिक, रूब्रिक को हमने बोला था नियमावली. ए रूब्रिक इज एन असेसमेंट टूल दैट क्लियरली इंडिकेट्स अचीवमेंट क्राइटेरिया अक्रॉस ऑल द कंपोनेंट्स. इसमें सारे कंपोनेंट्स यूज होते हैं ऑफ एनी काइंड ऑफ स्टूडेंट वर्क, फ्रॉम रिटन टू ओरल टू विजुअल. इट कैन बी यूज्ड फॉर मार्किंग असाइनमेंट्स, क्लास पार्टिसिपेशन और ओवरऑल ग्रेड्स. द रूब्रिक एंड ए रूब्रिक आर मल्टी डायमेंशनल सेट्स ऑफ स्कोरिंग गाइडलाइंस that can be used to provide consistency in evaluating student work. They spell out scoring criteria so that multiple teachers using the same rubric for a student's essay, for example, arrive at the same score or grade. इसमें बहुत सारे multi-dimensional sets of scoring guidelines होती हैं, जिससे कि जो बहुत सारे teachers भी use करते हैं same ही rubric को, तो जिससे एक ही वो score या grade पर आए जो students का कर रहे हैं assessment वगैरह. ए रूब्रिक फॉर असेसमेंट इट एक मैट्रिक्स की फॉर्म में होता है. इट इज यूजली इन द फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स और ग्रिड. इट इज ए टू यूज टू इंटरप्रेट एंड ग्रेड स्टूडेंट्स वर्क अगेंस्ट क्राइटेरिया एंड स्टैंडर्ड्स. अगेंस्ट स्टूडेंट्स का जो वर्क है उसे ग्रेड किया जाता है. दे आर समटाइम्स इनको कभी कभी क्राइटेरिया शीट्स या ग्रेडिंग स्कीम्स और स्कोरिंग गाइड्स भी कह सकते हैं. न्यूमेरिकल स्केल आपको पता ही है. इट इज ऑल्सो नोन एज NRS, दैट इज न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल. And so it is basically an scale that renders a quantitative symbolization of an attribute. जैसे हमने numerical एक 11-point scale है 0 to 10 हमने बना लिया, और 21-point scale है उसे हमने 0 to 20 rating दे दिया, या 101-point scale है 0 to 100 दे दिया.
अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. द क्वेश्चन वाज व्हिच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट सूटेड. सो सारा ओवरऑल जो क्राइटेरिया कवर करता है दैट इज रूब्रिक्स नियमावली. सो द करेक्ट आंसर इज बेस्ट सूटेड फॉर असेसमेंट स्किल ऑफ सोशल स्किल्स इज रूब्रिक्स. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टीचिंग ए टीचर वेरी ऑफन यूजेस प्रोबिंग क्वेश्चंस टू क्लैरिफाई स्टूडेंट्स आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स. विद्यार्थियों के विचारों और धारणाओं को स्पष्ट करने की दृष्टि से शिक्षक खोजपूर्ण प्रश्न पूछता है. तो दिस में बी लिंक विद विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट प्रोसीजर्स. इसको आकलन की किस पद्धति से जोड़ा जा सकता है? डायग्नोस्टिक असेसमेंट, प्रिडिक्टिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट. अब इसमें जो बात कर रहा है इट इज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग. तो इसका आंसर होगा फॉर्मेटिव असेसमेंट और निर्माणात्मक आकलन. अब इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं. फॉर्मेटिव असेसमेंट्स आर दे कैप्चर लर्निंग इन प्रोसेस. इट इज लर्निंग इन प्रोसेस इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई गैप्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड इवॉल्विंग अंडरस्टैंडिंग बिफोर समेटिव असेसमेंट्स. दे मे टेक ए वेराइटी ऑफ फॉर्म्स सच एज इनफॉर्मल क्वेश्चंस, प्रैक्टिसेस, क्विज, 1 minute papers, clearest material point exercises, etc. This is also the most important points are formative assessment. It is used during the learning process and it provides feedback on learning in process and dialogue based and ungraded. This is called assessment for learning. And summative assessment, it is used at the end of the learning process. It evaluates student learning against some standard or benchmark and it is graded. And it is called assessment of learning. Paul Black ने बताया था, who is often lauded as the forefather of these concepts, described the difference between these terms using the analogy. इन्होंने cooking की analogy use करके बताया था, जैसे cooking में कोई cook is making a soup. She occasionally tastes it to decide if it needs a bit more spices or ingredients. तो while when the cook taste the soup, this is called formative assessment. She is assessing her soup and using that feedback to change or improve it. In other words, cooking. In the cook is engaging in formative assessment. And once the soup is served to the customer, or jab wo serve kiya jaa raha hai customer ko, then the customer tastes it and makes a final judgment about the quality of soup. Or isko jab customer ko diya jaa raha hai, this is an example of summative assessment. अब हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट की. डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या है? बिफोर क्रिएटिंग द इंस्ट्रक्शन इट इज नेसेसरी टू नो फॉर व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स यू आर क्रिएटिंग द इंस्ट्रक्शंस. योर गोल इज टू गेट टू नो योर स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस एंड द स्किल्स एंड नॉलेज दे पोजेस बिफोर टेकिंग द इंस्ट्रक्शन. एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट जैसा कि आपको बताती है असेसमेंट फॉर लर्निंग, समेटिव इज असेसमेंट ऑफ लर्निंग. नॉर्म असेसमेंट दो और तरह का भी होता है, नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट. इन दिस इट इज कंपेयर इट कंपेयर्स ए स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस अगेंस्ट एन एवरेज नॉर्म. एंड क्राइटेरिया बेस्ड असेसमेंट इट मेजर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस अगेंस्ट ए सम फिक्स्ड सेट ऑफ प्री डिटरमिंड क्राइटेरिया और लर्निंग स्टैंडर्ड्स. अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. तो क्वेश्चन वॉज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टीचिंग ए टीचर वेरी ऑफन यूजेस प्रोबिंग क्वेश्चंस टू क्लैरिफाई स्टूडेंट्स आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स. जो विद्यार्थियों के विचारों और अवधारणाओं को स्पष्ट करने की दृष्टि से शिक्षक खोजपूर्ण. दिस इज क्लियरली एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट. क्वेश्चन 16. ऑटोमेटेड अनकॉन्शियस मास्टरी ऑफ एक्टिविटीज एंड रिलेटेड स्किल्स एट स्ट्रेटेजिक लेवल विद रेफरेंस टू क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लर्निंग्स इन द साइकोमोटर डोमेन प्रपोज्ड बाय आरएच दवे मींस मैनिपुलेशन, आर्टिकुलेशन, नेचुरलाइजेशन और प्रिसिशन. पहले हम डोमेन्स ऑफ लर्निंग, जैसे कि हमें पता है देर आर 3 डोमेन्स ऑफ लर्निंग. डोमेन्स ऑफ लर्निंग देर आर 3 डोमेन्स, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर. साइकोमोटर कॉग्निटिव इज रिलेटेड टू थिंकिंग, इट इज रिलेटेड टू फीलिंग, इट इज रिलेटेड टू डूइंग. इसमें मेंटल प्रोसेसेस आ जाते हैं, मेंटल प्रोसेसेस, इमोशंस. इसमें
आ जाते हैं हमारे में मोटर स्किल्स, साइकोमोटर डोमेन, इट रेफर्स टू द यूज ऑफ मोटर स्किल्स, कोऑर्डिनेशन एंड फिजिकल मूवमेंट. द वे साइकोमोटर डोमेन इज द सिंपलेस्ट डोमेन एंड इज इजिएस्ट टू अप्लाई. अब इसमें आर एस दवे के साइकोमोटर डोमेन की बात की जा रही है, तो आर एस दवे ने दवे साइकोमोटर डोमेन टैक्सोनॉमी इज गिवन हियर इन फिगर. इसको आप एक इस तरह से फॉर्मूला में भी याद कर सकते हैं, इम पैन, IMPAN, वेयर आई मीन्स इमिटेशन, कॉपिंग द एक्शन ऑफ एनदर, ऑब्जर्व एंड रेप्लिकेट, एम इज मैनिपुलेशन, रिप्रोड्यूस एक्टिविटी फ्रॉम इंस्ट्रक्शन और मेमोरी, प्रिसीजन इज एग्जीक्यूट स्किल रिलायबली इंडिपेंडेंट ऑफ हेल्प, ए इज आर्टिकुलेशन, adapt and integrate expertise to satisfy a non-standard objective, and is naturalization, which means automated unconscious mastery of activity and related skills at a strategic level. ये जो n naturalization है यही हमें question में ask किया गया है. This is automated unconscious mastery of activity and related skills at a strategic level. So this is what is asked in the question. Automated unconscious mastery of activity and related skills at a strategic level with reference to classification objectives of learning the psychomotor domain proposed by R.H. Dave means naturalization. So the correct answer is option 3. Now move to next question. Who of the following developed the concept of behavior shaping through the use of principle of successive approximation? Thorndike, Watson, Skinner और पियाजे. अब हमें पता है सब बिहेवियरिस्ट की बात हो रही है. थॉर्नडाइक ने दिया था कनेक्शनिज्म, ट्रायल एंड एरर. वॉटसन इज द फादर ऑफ, आई थिंक इज द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म. स्किनर ने दी थी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी. पियाजे, जीन पियाजे ने दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, SPCF, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फोर operational stage. The theory of B.F. Skinner is based on the idea that learning is a function of change in overt behavior. Changes in behavior are the result of an induced response to events, stimuli that occur in the environment, and reinforcement is the key element in Skinner's SR theory. S is stimulus and R is response. स्किनर ने अधिकांश से संबंधित अपने क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत के प्रयोग के लिए एक विशेष बॉक्स बनाया था जिसे स्किनर बॉक्स कहा जाता है. उसने चूहे का को अपने प्रयोग का विषय बनाया. इस बॉक्स में एक लीवर था जिसके दबते ही खट की आवाज आती थी. लीवर का संबंध एक प्लेट से था जिसमें खाने का एक टुकड़ा आ जाता था. इस बॉक्स में भूखे चूहे को बंद किया गया. वह जैसे ही लीवर को दबाता था खट की आवाज होती और उसे खाना मिल जाता था. वह खाना उसकी क्रिया के लिए पुनर्बलन का कार्य करता था. इस प्रयोग में चूहा भूखा होने पर बॉक्स के लीवर को दबाता और उसे भोजन मिल जाता था. इसी आधार पर स्किनर ने कहा कि यदि किसी क्रिया के बाद लीवर दबाना कोई बल प्रदान करके करने वाला उद्दीपक भोजन प्राप्त हो जाता है तो उस क्रिया की शक्ति में वृद्धि हो जाती है. To show how reinforcement works in a controlled environment, Skinner placed a hungry rat into a box that contained a lever. As the rat scurried around the inside the box, it would accidentally press the lever, causing a food pellet to drop into the box. After several such runs, the rat quickly learned that upon entering the box, running straight towards the lever and pressing down meant receiving a tasty snack. The rat learned how to use a lever to its benefit in an unpleasant situation too. In another box that administered a small electric shock, pressing the lever causing the unpleasant zapping to stop. And Skinner first experiment he used conducting an experiment that explained the positive reinforcement, and in the second experiment it explained the concept of negative reinforcement.
Skinner conducted an experiment that explained negative reinforcement. Skinner placed a rat in a chamber in the similar manner, but instead of keeping it hungry, he subjected the chamber to an unpleasant electric current. The rat, having experienced the discomfort, started to desperately move around the box and accidentally knocked the lever. Pressing the lever immediately ceased the flow of unpleasant current. After a few times, the rat had smartened enough to go directly to the lever in order to prevent itself from the discomfort. The electric current reacted as negative reinforcement, and the consequence of the escaping, the electric current made sure that the rat repeated the action again and again. Here too, pressing of the lever in an open response and the complete stop of the electric current flow is its reward. Both these experiments clearly explained the working of operant conditioning. The important part in any operant conditioning learning is to recognize the operant behavior and the consequence resulted in that particular environment. कॉन्सेप्ट ऑफ रेनफोर्समेंट स्किनर ने पुनर्बलन को दो भागों में विभाजित किया है, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, सकारात्मक पुनर्बलन। वे उद्दीपन जो सक्रिय अनुक्रिया की संभावना में वृद्धि करते हैं सकारात्मक पुनर्बलन है, जैसे पुरस्कार, प्रशंसा, भोजन आदि की प्राप्ति होने पर अनुक्रिया करने की संभावना बढ़ जाती है। एंड द सेकेंड इज नेगेटिव रेनफोर्समेंट, नकारात्मक पुनर्बलन। नकारात्मक पुनर्बलन का अर्थ है उन पुनर्बलनों से जो प्रतिक्रिया की संभावना को कम कर देते हैं, अर्थात इनके प्रयोगों से अधिकारकर्ता की अनुक्रिया में कमी हो जाती है। Now we move to our question. Which of the following developed the concept of behavior shaping through the use of principles of successive approximation? The correct answer is Skinner, that is option 3. Now we move to next question, that is question number 18. Which of the following schemes have been subsumed in Samagra Shiksha? SSA and RMSA, RMSA and RUSA, RUSA SSA, RMSA and TE, SSA, RMSA and TE. Now we will understand these terms. Samagra Shiksha, it is a sector-wide development program that subsumes the then existing centrally sponsored schemes of SSA is Sarv Shiksha Abhiyan, RUSA is Rashtri Madhyamik Shiksha Abhiyan, and TE is Teacher Education to help to harmonize the implementation mechanisms and transaction costs at all levels. And Samagra Shiksha, it is an overarching program for the school education sector extended from preschool to class 12 and has been prepared with the broader goal of improving school effectiveness measured in terms of equal opportunities for schooling and equitable learning outcomes. And the major interventions across all levels of school education proposed under the scheme are universal access, including infrastructure development and retention, gender and equity, inclusive education, quality, financial support or teacher salary, digital initiatives and RT. So the correct answer of this is SSA, Sarv Shiksha Abhiyan, RMSA, Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan and Teacher Education. These schemes have been subsumed in Samagra Shiksha. So the correct answer is option 4. Now we move to next question. Which theory of Habermas is useful way to explore knowledge and its impact on student engagement? Knowledge constitutive, interest theory, critical theory, social theory and theory of communicative actions. पहले तो हमें ये बात ध्यान रखनी, all these theories they are given by Habermas. Now we will discuss. यहाँ आपको एक कीवर्ड भी बता दें, नॉलेज आ रहा है तो इसका इसमें एक्सप्लोर नॉलेज, सो द आंसर इज नॉलेज कॉन्स्टिट्यूटिव इंटरेस्ट थ्योरी। नाउ वी विल डिस्कस दिस थ्योरी। जर्गन हैबरमास, ही वाज अ जर्मन, इंपॉर्टेंट जर्मन फिलोसोफर ऑफ द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी एंड एन हाईली इन्फ्लुएंशियल सोशल एंड पॉलिटिकल थिंकर एंड वॉज जनरली आइडेंटिफाइड विद द क्रिटिकल थ्योरी, सोशल थ्योरी, knowledge constitutive interest theory and theory of communicative action. Social theory,
क्रिटिकल थ्योरी, थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन एंड नॉलेज कॉन्स्टिट्यूटेड इंटरेस्ट थ्योरी. All these theories were given by Jürgen Habermas. The knowledge constituting interests are essentially Habermas' first attempt to achieve some understanding of the nature of truth. Habermas' three knowledge constitutive interests are the technical, practical and the emancipatory. These are the three knowledge constitutive interests. Technical knowledge constitutive interests, they refer to those aspects of knowledge concerned with manipulation of the environment, of control over natural objects and events. And practical knowledge constitutive interests, they are concerned with the hermeneutic task of extending understanding in intersubjective relations. The aim being to achieve consensus, community and mutuality. And emancipatory knowledge constitutive interests are pitched at a more abstract level and involve liberating people from the specific constraints of their socio-historical moment. This is achieved through self-reflection. Now we come to our question. Which theory of Habermas is useful way to explore knowledge and its impact on student engagement? This is that correct answer is knowledge constitutive interest theory. That is option 1. Now we move to next question. Question 20. What are the three concepts of knowledge proposed by Deng and Pflug? Deng and Pflug द्वारा प्रस्तावित ज्ञान की तीन अवधारणाएं कौन सी हैं? First is disciplinary, practical, experiential. Second is procedural, metacognitive, practical. Third is disciplinary, procedural, experiential. And the fourth is factual, practical or experiential. According to Deng and Pflug, concept of knowledge based for teaching was proposed in 2008. There are three concepts, disciplinary, practical and experimental. 2008 में प्रस्तावित शिक्षण के लिए ज्ञान आधारित ज्ञान की डेंग और ल्यूक अवधारणा के अनुसार तीन अवधारणा है अनुशासनात्मक, disciplinary, practical, व्यावहारिक, प्रयोग, experiment, प्रयोग. The teaching procedure must have discipline as the main ingredient to propagate the knowledge in the classroom in the disciplinary concept. अनुशासनात्मक शिक्षण प्रक्रिया में कक्षा में ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए अनुशासन मुख्य घटक होना चाहिए. This is according to the disciplinary concept. According to the practical concept, more focus must be on practical knowledge rather than theoretical knowledge. व्यावहारिक अवधारणा में सैद्धांतिक ज्ञान के बजाय व्यावहारिक ज्ञान पर अधिक ध्यान देना चाहिए. In the experimental concept, the knowledge can be gained and remembered for a long time if the experiments are performed. यदि प्रयोग किए जाएं तो ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और लंबे समय तक याद रखा जा सकता है. So the three concepts are DPE, that is disciplinary, अनुशासनात्मक अनुशासनात्मक, पी इज प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल दैट इज व्यावहारिक, थर्ड इज एक्सपीरियंशियल प्रयोग. Now we go back to our question. What are the three concepts of knowledge proposed by Deng and Liu? The answer is disciplinary, procedural, experimental, anushasatmak, prakriyatmak or anubhuti janya. Practical, sorry, the answer is option 1. Disciplinary,
disciplinary, practical and experiential, अनुशासनात्मक, व्यावहारिक और अनुभूति जन्य, experiential. Now we move to question number 21. Which of the following institutions is directly responsible for the professional growth of school teachers in India? निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में विद्यालयी शिक्षकों की व्यावसायिक वृद्धि के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है? CSIR, NACT, NCERT, EMMRC. अब हमें इनका फुल फॉर्म पता होना चाहिए. CSIR is Council of Scientific and Industrial Research. NACT is National Assessment and Accreditation Council. NCERT is National Council for Educational Research and Training. And EMMRC is Educational Multimedia Research Center. It is Educational Multimedia Research सेंटर. प्रोफेशनल, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है. इसका डायरेक्ट आंसर पहले आपको बताई देते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ स्कूल टीचर्स? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, दैट इज NCERT, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग. द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इट इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन एंड सेट अप इन 1961 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू असिस्ट and advise the central and state governments on the policies and programs for qualitative improvement in school education. Major objectives are undertake, promote and coordinate research areas in related to school education, prepare and publish model textbooks, supplementary materials, newsletters, journals and develops educational kits, multimedia, digital materials, etc. Organize pre-service and in-service training of teachers, develop and disseminate innovative educational techniques and practices, collaborate and network with the state educational departments, universities, NGOs and other educational institutions, act as a clearinghouse for ideas and information in matters related to school education, act as a nodal agency for achieving the goals of universalization of elementary education. In addition to research, development, training, extension, publication, dissemination activities, NCERT is an implementation agency for bilateral cultural exchange programs with other countries in the field of school education. The major constituent units of NCERT, which are located in different categories of the country, are National Institute of Education, New Delhi, Central Institute of Educational Technology, New Delhi, Pandit Sundarlal Sharma Central Institute of Vocational Education, PSSCIV, Bhopal, Regional RI, Regional Institute of Education, Ajmer RI, Bhopal RI, Bhubaneswar, Mysore, Northeastern Regional Institute of Education, NERI, Shillong, etc. NAC, the full form is National Assessment and Accreditation Council. It is an autonomous institution of the University Grants Commission with its prime agenda to assess and accredit quality status of the universities. इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इफ यू वांट. EMMRC is Educational Multimedia Research Center, NI University, Chennai, is one of the 22 media centers in India established in 1985 as Audio Visual Research Center, AVRC, by the University Grants Commission with an objective of disseminating knowledge in the field of science and technology to society. As present, there are 22 such media centers in India. And CSIR is Council of Scientific and Industrial Research. It is the largest research and development R&D organization in India. CSIR has a pan-India present and has a dynamic network of 38 national laboratories, 39 outreach centers, 3 innovation complexes and 5 units. It was established in September 1942 and located in New Delhi. It is funded by the Ministry of Science and Technology and it operates as an autonomous body through the Societies Registration Act 1860. I think this was an easy question. इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा. Now we move to next question, that is question 22. Which method of the qualitative research focuses on the language and meanings that are given to texts?
for the purpose of creating and shaping knowledge and behavior. Discourse analysis, narrative research, trend analysis or grounded theory. गुणात्मक शोध की कौन सी पद्धति भाषा और अनुभव पर बल देती है जो ज्ञान और व्यवहार के सृजन एवं स्वरूप के उद्देश्य को आलोकित की जाती है. प्रवचन विश्लेषण आख्यानात्मक शोध प्रवृत्ति विश्लेषण आधारित सिद्धांत. यहाँ हमें बात करने हैं लैंग्वेज. सो रिसर्च द करेक्ट आंसर इज डिस्कोर्स एनालिसिस. डिस्कोर्स हमेशा लैंग्वेज पे फोकस करते हैं इसमें. Now we will discuss in detail also. Qualitative research की बात हो रही है. All these researches are qualitative researches. Qualitative research is the process of collecting, analyzing, interpreting non-numerical data such as language. Qualitative research can be used to understand how an individual subjectively perceives and gives meaning to their social identities. It is an approach that focuses on people and their experiences, behaviors and opinions. It analyzes non-numerical data, example text, video or audio, to understand concepts, opinions or experiences, and it can be used to gather in-depth insights into a problem or generate new ideas for research. Qualitative research is commonly used in the humanities and social sciences in subjects such as anthropology, sociology, education, health sciences, history, etc. The characteristics of qualitative research: it is carried out in natural environment, natural setting. Researcher has a key instrument, multiple sources of data, inductive data analysis, and the meaning of the participants' meanings. It designs that develops emergent design. It has a theoretical perspective, theoretical lens. It is interpretative. It is a holistic, takes into a holistic account. The main following are the strategies in qualitative research. First is ethnography. Ethno means people. This branch of anthropology to analyze the culture of a nation or society in its natural environment over a long period of time in collecting main data, observational and interviews. Case study. Researchers carefully investigate a program, event, activity, process or group of individuals. Phenomenology. In phenomenology, researchers identify the nature of human experience about a particular phenomena. And in grounded theory, researchers produce a general and abstract theory of a particular action, process or interaction that comes from the views of participants. And in narrative, researchers investigate the lives of individuals and ask a person or group of individuals to tell about their life. Discourse analysis. It is an umbrella term for a range of methodological approaches that analyze the use and functions of talk and text in the social interaction. The term discourse is commonly used to highlight the focus on language use rather than the grammatical or linguistic features. This is very important. Discourse analysis mein language par focus kiya jata hai. It aims to understand how language is used in real life situations. When you do discourse analysis, you might focus on the purposes and effects of different types of languages. Discourse analysis is also a common qualitative research method in many humanities and social science disciplines, including linguistics, sociology, anthropology, psychology, and cultural studies. Ab hum question pe chalte hain. Question tha hamara, which method of qualitative research focuses on language and meanings that are given to text for the purpose of creating and shaping knowledge and behavior? The correct answer is discourse analysis, because it focuses on the language. Now we move to next question, that is question number 23. Given below is a summary of ANOVA for four groups of students tested in research projects. Source of variance between groups, they rakha sum of squares, degree of freedom and mean sum of squares, and source of variance within groups, sum of squares, degree of freedom and MS, mean sum of squares is also given. What will be the value of, तो ये F for the above data पूछ रहा है. अब जैसा कि हमें पता है F की formula क्या होता है, F is equal to between group variance upon
within group variance, that is MSB upon MSW, where MSB is mean sum of squares between groups, MSW is mean sum of squares within groups. Yeh humne de rakha hai. Mean sum of squares between groups diya hua hai. Mean sum of squares between groups is 23.33 and mean sum of squares within groups is 7.62. So, F ratio is MSB upon MSW 23.33 upon 7.62. So, correct answer is 3. That is option 3. Now, we move to next question. Question 24. A teacher finds that the distribution of scores for a self-made test is positively skewed. What inference he should make about the difficulty level of this test? Test is difficult, test is easy, test is moderately difficult, test is moderately of low difficulty. एक अध्यापक यह पाता है कि उसके एक स्वनिर्मित परीक्षण हेतु प्राप्तांकों के विवरण में सकारात्मक रूप से एक और धनात्मक झुकाव है. इस परीक्षण की क्लिष्टता स्तर के विषय में उसे क्या निष्कर्ष निकालना चाहिए? परीक्षण का स्तर क्लिष्ट है, परीक्षण का स्तर सरल है, परीक्षण मध्यम क्लिष्ट स्तर का है, परीक्षण मध्यम अल्प क्लिष्ट स्तर का है. पहले हम स्क्यूनेस को समझते हैं और इसके कॉन्सेप्ट को. स्क्यूनेस का मतलब होता है लैक ऑफ सिमेट्री. स्क्यूनेस रेफर्स टू द लैक ऑफ सिमेट्री. ए नॉर्मल कर्व इज ए परफेक्टली सिमेट्रिकल कर्व एंड मीन मीडियन एंड मोड आर द सेम. ये जैसा कि हमें पता है कि एनपीसी या नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व एक परफेक्टली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है जहाँ मीन मीडियन मोड एक ही पोजिशन पर लाई करते हैं. लेकिन कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं जो नॉर्मल से हटकर होते हैं, जहाँ वैल्यू मीन मीडियन और मोड की अलग अलग होती है और जो दो हाफ्स होते हैं वो सिमेट्रिकल हाफ्स नहीं होते. जैसा कि हमें पता है एनपीसी में बोथ द हाफ्स ऑफ द कर्व दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल टू ईच अदर. दिस हाफ वन हाफ टू दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल और mirror image of each other. But in many distributions which deviate from normal, the values of mean, median and mode, they are different and there is no symmetry between right and left halves of the curve. Such distributions are said to be skewed. Inko hum skewed distributions kehte hain. Being inclined more towards the left or right to the center of the curve. Ya to ye right ki taraf jhuke hue honge ya left ki taraf jhuke hue hote hain. The distributions in which the mean, median and mode falls on different points or different places is known as skewed distribution and this tendency of distribution is known as skewness. Positively or negatively skewed curves ko hum samajhte hain with the help of diagrams. In positively skewed curve, the distribution is skewed to the right. Jaisa ki aap diagram mein dekh sakte hain, jo positively skewed distribution hai, the skewness is on right side. Here the value of mean is greater than median and it is greater than mode. Mean exceeds the median and median exceeds the mode. Ab negatively skewed distribution ka diagram aap dekh sakte hain, the distribution is skewed on the left side. Here mode exceeds median and mean. This is the left skewed distribution or negative skewness and this is the right skewed distribution or positive skewness. In the left skewed distribution, mode is greater than median and it is greater than mean. Whereas in the right or positive skewed distribution, mean is greater than median, which is greater than the mode. Now, if a test shows a right skewed distribution or positive skewed distribution, this means most of the students are low scholars who score below the average and there is very less number of students who scored very high marks. Therefore, we can conclude that the test was very difficult and there are very few good students who scored high marks. Now, jaise ki hum question mein pucha gaya hai, कि टीचर फाइंड्स दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर्स फॉर अ सेल्फ मेड टेस्ट इज पॉजिटिवली स्क्यूड, इट मींस दैट द टेस्ट वाज इज डिफिकल्ट. क्योंकि जो ज्यादातर लोगों के मार्क्स कम आए हैं, सो टेस्ट इज डिफिकल्ट. आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्यूनेस एंड दिस क्वेश्चन ऑल्सो रिगार्डिंग पॉजिटिव स्क्यूड एंड नेगेटिव स्क्यूड कर्व्स. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. That is question number 25. University teachers conducted an experiment of achievement of students in chemistry through a self-made test. The distribution of scores has been studied in terms of mean and standard deviation for a sample of 100 students. Yahan hame mean de rakhi hai 50, SD is
10 and sample size is 30. Assuming that the distribution of his scores is normal, what will be the percentile rank of a student whose score is 60? Now we will calculate this. Hame pata hai z score ka formula. We know that z is equal to x minus m upon sigma, where x is raw score, m is mean, sigma is a standard deviation, जैसा कि यहां भी हमने दिया हुआ x माइन फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग z इज इक्वल टू x इज रॉ स्कोर, m इज मीन, सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डेविएशन. x हमें दिया हुआ है, रॉ स्कोर 60 दिया हुआ है, मीन हमें 50 दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन 10 दिया हुआ है. तो ये हम अप्लाई करेंगे 60 माइनस 50 अपॉन 10, 10 बाय 10 इज प्लस 1 सिग्मा. अब हमें एनपीसी की वैल्यू पता है प्लस 1 सिग्मा पे क्या होती है, 84.13. तो आंसर हमारा आ जाएगा 81.13 के, इट इज अप्रोक्सीमेटली नियर क्लोजेस्ट इज 84. सो आंसर इज 4. इसको हम एक और तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेट्स सी. अब हमें ये पता है एनपीसी का ग्राफ, ये दिस इज द मीन, दिस इज एनपीसी का कर्व होता है माइनस 3 सिग्मा टू यहां से लेके प्लस 3 सिग्मा तक. यहां सेंटर में है मीन, दिस इज प्लस 1 सिग्मा, प्लस 2 सिग्मा, दिस इज प्लस 3 सिग्मा. ऑन द राइट साइड दिस इज माइनस 1 सिग्मा, माइनस 2 सिग्मा एंड माइनस 3 सिग्मा ऑन द लेफ्ट साइड. अब यहां पे हमें पता है मीन 50 दिया है, 60 हमारे पास जो निकल के आया था माइनस 1 सिग्मा, तो माइनस 1 सिग्मा की वैल्यू यहां पे क्या है, यहां सॉरी प्लस 1 सिग्मा, प्लस 1 सिग्मा पे हम सीधा भी ये देख सकते हैं कि ये तो हो गया हमारा पूरा सीधा 50%, 50% प्लस ये हमारा जो है प्लस 34.13%. तो ये हो गया हमारा 81.13% आ गया. इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे. इसको आप इस तरह से भी डायग्राम बना के भी सॉल्व कर सकते हो. और इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट आल्सो. ये इरेज कर दिया मैंने, जिससे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट आल्सो. अगर आपको ये याद रहेगा तो आप डायरेक्ट भी इसका आंसर निकाल लोगे, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है इसमें. इट विल सेव योर टाइम इन द एग्जाम आल्सो. I think you must have understood this. Now we move to next question. Question 26. The observation what the curriculum neglects is as important as what it advocates for is related to which of the following types of curriculum? Overt curriculum, hidden curriculum, core curriculum or null curriculum? अब हम इसको discuss कर लेते हैं. Core curriculum वो curriculum होता है core curriculum, the body of knowledge, skills and attitudes expected to be learned by all the students. Core means जैसे core subjects होते हैं, तो ये सबको पढ़ने होते हैं, ऐसे ही core curriculum. With it is the knowledge, skills and attitudes expected to be learned by all students, generally related to a set of subjects and learning areas that are common to all students. जो सबके लिए होगा, such as the languages, maths, arts, physical education, science and social studies. This is core curriculum. अब नाउ ओवर्ट करिकुलम एक टर्म है, एक्सप्लिसिट और रिवर्ट करिकुलम भी इसे कहा, रिटन करिकुलम भी कहा जाता है. इट इज सिंपली दैट विच इज रिटन एज पार्ट ऑफ फॉर्मल इंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूलिंग एक्सपीरियंसेस. ये वो करिकुलम होता है, फॉर्मल करिकुलम भी बोलते हैं इसको. इट मे रेफर टू ए करिकुलम डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट, फिल्म्स एंड सॉरी and supportive teaching materials that are overtly chosen to support the intentional instructional agenda of a school. Next is hidden curriculum or covert curriculum, that which is implied by the very structure and nature of schools. Much of that revolves around daily or established routines. Longstreet and Shane offer a commonly accepted definition for this term, the hidden curriculum. इन्होंने Longstreet और Shane ने एक definition दी थी इस प्रकार है.
हिडन करिकुलम की, इट रेफर्स टू द काइंड्स ऑफ लर्निंग्स चिल्ड्रन डिराइव फ्रॉम द वेरी नेचर एंड ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन ऑफ द पब्लिक स्कूल एज वेल एज फ्रॉम द बिहेवियर्स एंड एटीट्यूड्स ऑफ टीचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स. जो स्टूडेंट्स लर्न करते हैं लर्निंग्स अपने आप जो सीखते हैं बिहेवियर एटीट्यूड्स ऑफ टीचर्स या एडमिनिस्ट्रेटर्स से भी, उसको भी हम हिडन करिकुलम कहते हैं. द स्टूडेंट्स गेटिंग इन एंड स्टैंडिंग इन लाइन साइलेंटली, स्टूडेंट्स क्वाइटली रेजिंग देयर हैंड्स टू बी कॉल्ड ऑन, द एंडलेस कॉम्पिटिशन फॉर ग्रेड्स एंड सो ऑन. वी लर्न सिंपली बाय द एक्सपोजर ऑफ लिविंग. मच दैट पासेस फॉर एजुकेशन इज नॉट एजुकेशन एट ऑल बट रिचुअल. द फैक्ट इज दैट वी आर बीइंग एजुकेटेड व्हेन वी नो एट लीस्ट. नर करिकुलम, अब नर करिकुलम कौन सा है? दैट विच वी डू नॉट टीच. दस गिविंग स्टूडेंट्स द मैसेज दैट दीज एलिमेंट्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट इन देयर एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस और इन अवर सोसाइटी. उसको हम बोलते हैं नर करिकुलम. अब नाउ वी मूव बैक टू अवर क्वेश्चन. इफ यू वॉन्ट यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट ऑफ दिस ऑल्सो. द ऑब्जर्वेशन वॉट द करिकुलम नेग्लेक्ट्स. अब यहाँ वही बात आ गई, पाठ्यक्रम जिसकी अवहेलना करता है वही उतना महत्वपूर्ण है. सो दिस इज क्लियरली एक्सप्लेनिंग द नल करिकुलम. आई थिंक दिस मस्ट बी क्लियर टू यू. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज क्वेश्चन 27. विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस टू करिकुलम ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड्स स्कोप फॉर मीटिंग द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स. Behavioral rational approach, intellectual academic approach, systems managerial approach or humanistic aesthetic approach. अब इसमें हम बात करते हैं पहले एक एक अप्रोच की. बिहेवियर रैशनल अप्रोच, सपोज बिहेवियर रैशनल अप्रोच बात करता है कि हम किसी चीज को डिफाइन कर रहे हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव है, इससे क्या होगा. जैसे इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट अप्रोच, वी कैन से ओल्डेस्ट अप्रोच. व्हाट इज द कंटेंट और व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट आर द मेथड्स वी विल यूज. इट टॉक्स अबाउट मीन्स एंड अप्रोच. मीन जैसे करिकुलम एक मीन्स है और एंड्स मीन्स करिकुलम को हम इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या हमने ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया. अब इंटेलेक्चुअल एकेडमिक अप्रोच की हम बात करते हैं. इंटेलेक्चुअल एकेडमिक अप्रोच जो है इट इज हाउ वी टॉक अबाउट सब्जेक्ट नॉलेज. इसमें हम बात करते हैं सब्जेक्ट नॉलेज की. सब्जेक्ट नॉलेज जैसे कि हमारे आइडियाज थिंकिंग से माइंड को किस तरह से ट्रेन किया जा सकता है. सब्जेक्ट मैटर की बात करते हैं हम यहाँ पे. हाउ नॉलेज का स्ट्रक्चर कैसा होता है. स्ट्रक्चरल मैनेजरियल अप्रोच नाउ वी टॉक अबाउट. इसमें हम बात करते हैं जैसे इनपुट प्रोसेस आउटपुट हमने किया था. आउटपुट लाइक कोई चीज में जैसे हमने क्या इनपुट दिया, फिर प्रोसेस है, फिर हमें क्या आउटपुट मिला. दिस इज सिस्टम्स मैनेजरियल अप्रोच. आउटपुट इज द एंड रिजल्ट. ह्यूमनिस्टिक एस्थेटिक अप्रोच. अब ह्यूमनिस्टिक एस्थेटिक अप्रोच की बात हो रही है. मानवीय सौंदर्य परक उपागम. इसमें हम बात कर सकते हैं आई थिंक जैसे हमें मैस्लो का एग्जाम्पल है, पता है हमें. मैस्लो ने एक अप्रोच दी थी नीड हायरार्की थ्योरी. तो उससे भी हम ये अंदाजा लगा लेते हैं कि नीड हायरार्की थ्योरी. नीड हायरार्की ERRCHY. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नीड्स लाइक सेफ्टी नीड्स, सिक्योरिटी नीड्स, सोशल नीड्स, सेल्फ एस्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच चूंका मैस्लो का एग्जाम्पल है, ये बात करता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की. तो इसका करेक्ट आंसर होगा मैस्लो ही टॉक्स अबाउट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. एब्राहम मैस्लो. मैस्लो तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, दैट इज ह्यूमनिस्टिक एस्थेटिक अप्रोच. Is the approach to curriculum objectives which provides a scope for meeting the self-actualization needs. अब यहाँ पे भी हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं. If you want, you can take the screenshot also. Behavior approach. It is based on the behavioral
principal goals and objectives are specified, a content and activities are also arranged with learning objectives. Academic approach, it is more focused on the structure of knowledge and the organization of subject matter into subjects. Managerial approach, it is based on the following principle. General leader, he she sets the policy and priorities, establishes direction and change, and innovation and planning and organization during the curriculum and instruction. This is a curricular leader. He looks at the curriculum changes and innovations as they administer the resources and restructure the school infrastructure. Input process output, जैसा कि पहले आपको बताया था वो है इसमें, और systems approach की बात आ गई है. Systems approach, the whole system is approached by a system theory. The whole approach represents the line staff relationship of personnel and represents the way how the decisions are made. It gives equal importance at all levels, administration, counseling, curriculum, instruction and evaluation. Now, humanistic approach. It is rooted in the progressive philosophy and follows the child-centered movements. It considers the formal or planned curriculum and the informal or hidden curriculum, considers the whole child and believes that in curriculum, the total development of the individual is the prime consideration. The humanistic approach emphasizes the personal worth of the individual, the centrality of human values and the creative active nature of human beings. So the correct answer of this question is option 4, that is humanistic aesthetic approach. Now we move to next question. The congruence contingency model of curriculum evaluation was developed by Ralph Tyler, Malcolm Probus, Robert Stack or Daniel Stiefel-Bean. Curriculum evaluation, पहले हमें पता होना चाहिए क्या होता है. Curriculum evaluation, it is a very important part of education. In evaluating the curriculum, there are different models which can be used. For example, Tyler's model, it is based upon the evaluation of pre-specified goals and objectives in terms of whether they have or they have not been achieved. Stack's model, which depends upon the collection of informal data as well as data formally collected from the tests. Eliot Isner's model is built on two closely related constructs, connoisseurship and criticism. Connoisseurship in Isner's term is the art of appreciation, recognizing and appreciating through perceptual memory, drawing from experience to appreciate what is significant. It is the ability both to perceive the particulars of educational life and to understand how those particulars form part of a classroom structure. Isner believed that the curriculum in evaluation should be qualitative in nature rather than quantitative. This means that the connoisseurship model does not base its evaluation on test scores of how the students have performed, as Isner believed that it was not a true reflection of the students' acquired knowledge. For instance, how can one measure numerically the social development of a child? उन्होंने qualitative पर ज़्यादा focus किया था rather than quantitative. And Tyler's goal attainment model, Tyler ने बात की थी goal attainment model की, which is also called objective centered model, which is the basis for the most common models in curriculum design, development and evaluation. Tyler's model comprised of four major parts: defining objectives of the learning experience, identifying learning activities for meeting the defined objectives, organizing the learning activities for attaining the defined objectives. It was given by Robert Stack. Stack's model of curriculum evaluation, more than just an evaluation process, it looks at the development of curriculum. When using this model, it is necessary to compare the developed curriculum with what actually happens in the classroom. There are six key terms ki baat ki thi, which can be broken down into two groups of three. Jisko do groups mein divide kar diya jata hai, teen teen ke ek. Development stage, isme aa jate hain potential prerequisites, potential curriculum, potential results. Second is evaluation stage, isme aate hain prerequisites, apply it in context, evaluation of operational curriculum and actual results. Prerequisites is another way of saying before, or the state of the context before the intervention of teaching. It includes students' attitude, motivation, prior academic performance, teacher characteristics and
more. In the development stage, the teachers need to identify what are some potential prerequisites that may impact learning. In the evaluation stage, the evaluators determine what prerequisites actually impact the curriculum. In other words, there is a comparison of what was anticipated and what actually was the case of in terms of the prerequisites. And there is potential and operational curriculum. Potential curriculum is the dream curriculum that is developed. It includes everything that the teachers want to do. The operational curriculum is what was actually used to. Potential versus actual results. Potential results are what the teachers hope to see as a result of the use of the curriculum, and actual results are the real performance of the students. The difference between the potential and the desired results or the desired and actual results is another indicator of the quality of the curriculum in STICS model. STICS model provide evaluators with an opportunity to compare the desired outcome with the actual outcome. So the congruence contingency model for curriculum evaluation was developed by Robert Steele. So answer 3. Now we move to next question. Question 29. These are also some models you can discuss. Shrivan's goal-free model. So Michael Shriven was the first to question the assumption that goals or objectives are crucial in the evaluation process. In the goal-free evaluation model developed by Michael Shriven, evaluation looks at a program's actual effect on identified needs. And Bradley's effectiveness model looks at how effectively the curriculum meet the 10 pre-established indicators. Now we move to the next question. Which of the following dimensions of curriculum design focuses on interrelatedness of various aspects of curriculum? Scope, sequence, articulation, and continuity. Now first we should understand about the concept of the curriculum also and the basic types of curriculum design. The curriculum design concept. Curriculum design focuses on the creation of the overall course blueprint, mapping content to learning objectives, including how to develop a course outline and build the course. Each learning objective is met with assessment strategies, exercises, content, subject matter analysis, and interactive activities. It is a term used to describe the purposeful, deliberate, and systematic organization of curriculum, instructional blocks within a class or course. In other words, it is a way for teachers to plan instruction. When teachers design curriculum, they identify what will be done, who will do it, and what schedule to follow. There are three basic types of curriculum design: subject-centered design, learner-centered design, and problem-centered design. The curriculum development process always consists of four step basic cycle: analysis of purpose, designing a program, implementing the experiences in learning, and evaluating the process. The components of curriculum. There are four components of curriculum. First is purpose. Second is design of subject matter. Third is implementation of the learning experiences. And fourth is evaluation approaches. This is the diagram also you can see. The components of design. Objectives. Subject matter. Method and organization and evaluation. The manner in which these four components are arranged determines the design of the curriculum. This is according to Giles in 1942. If you want, you can take the screenshots of this also. Basic types of curriculum design: subject-centered design revolves around a particular subject or discipline. It revolves around a particular subject matter or discipline. For example, subject-centered curriculum may focus on math or biology. It focuses on subject rather than the individual. Next is learner-centered design. In contrast, learner-centered design curriculum, it takes each individual's needs, interests, and goals into consideration. In other words, it acknowledges that students are not uniform and adjusts to those students' needs
It is meant to empower learners and allows them to shape their education through choices. Problem-centered curriculum design, like learner-centered curriculum design, problem-centered curriculum design is also a form of student-centered design. It focuses on teaching students how to look at a problem and come up with a solution to the problem. Students are thus exposed to real-life issues, which helps them develop skills that are transferable to the real world. Now, dimensions of curriculum design. These are a curriculum design has to be developed on the basis of certain dimensions like scope, integration, sequence, continuity, articulation, and balance. Scope is the breadth, variety, and types of educational experiences that are to be provided to pupils as they progress through the school program. Scope represents the latitudinal access for selecting the curriculum experiences. Integration. Learning becomes meaningful when content from one field is interrelated with the content from another field. Sequence. While arranging the components of a curriculum, a vertical sequence should be followed. That is, there should be a vertical relationship between the curricular elements so as to enable continuous learning. Stanley and Shores has given four bases of sequencing content: simple and complex learning, part to whole or prerequisite learning, whole to part, continuity. Continuity implies the repetition of such skills or ideas in the curriculum about which the learners should have in-depth knowledge. That means over a period of time, the same kind of skills be brought into operation. Next is articulation and balance. Articulation refers to the interrelatedness of concepts of a curriculum. Yehi jo hamare question mein pooch raha tha, the answer is articulation and balanced. A balanced curriculum is one that helps the learners to gain knowledge and utilizes to achieve their goals. Now we move to our question. Which of the following dimensions of curriculum design focus interrelatedness of various aspects of curriculum? So the correct answer is articulation. Now we move to our last question in our Support 30 series. Empathetic understanding of the client's problem is stressed in which type of counseling? Rational problem analysis based counseling, person-centered humanistic approach dominated counseling, reality-based directive counseling or behavioristic modification-based counseling. उपबोधन के किस प्रकार में सेवार्थी की समस्या के तदनुभूतिक अवबोध पर बल दिया जाता है? तार्किक समस्या विश्लेषण आधारित परामर्श, व्यक्ति केंद्रित मानवीय दृष्टिकोण अभिभावी परामर्श, यथार्थ आधारित निर्देशात्मक परामर्श, व्यवहारात्मक आशोधन आधारित परामर्श. Now we will discuss first all types of these counselings. रैशनल प्रॉब्लम बेस्ड काउंसलिंग. रैशनल प्रॉब्लम बेस्ड काउंसलिंग में क्या होता है कि नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट की ओर बदलने की कोशिश करते हैं. नेगेटिव थॉट से छुटकारा दिलाया जाता है, पॉजिटिव थॉट से रिलेट किया जाता है. पर्सन सेंटर्ड ह्यूमनिस्टिक अप्रोच डोमिनेटेड काउंसलिंग में क्या है? इट इज ए नॉन डायरेक्टेड काउंसलिंग. इसमें पर्सन सेंटर्ड रखना है, प्रॉब्लम को सेंटर में नहीं रखना है. तीसरा है रियलिटी बेस्ड डायरेक्टिव काउंसलिंग. यहाँ पे एम्पैथी नहीं बनाई जाती है और यहाँ पर प्रॉब्लम को सेंटर में रखा जाता है, पर्सन को सेंटर में नहीं रखा जाता है क्योंकि ये डायरेक्टिव काउंसलिंग है. बिहेवियरिस्टिक मॉडिफिकेशन बेस्ड काउंसलिंग, जो फोर्थ काउंसलिंग की बात हो रही है, एक्शन बेस्ड काउंसलिंग है. इसमें नेगेटिव बिहेवियर को एक्सटिंग्विश या खत्म करने की कोशिश करते हैं. अब एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लाइंट्स प्रॉब्लम इज स्ट्रेस्ड इन person centered humanistic approach to dominatic counseling, because here the focus is on person centered, vyakti kendrit, manaviya drishtikon, abhavibhavi paramarsh. So the correct answer is option 2. Now we will discuss, if you want you can take the screenshot also. Empathetic understanding means the act of understanding, being aware of, being sensitive and vicariously experiencing the feelings, thoughts and experience of another
of either the past or present without having the feelings, thoughts and experience fully communicated in an objectively explicit manner. Rational problem analysis based counseling is REBTB bolte hain. It is a type of therapy introduced by Albert Ellis ne isko introduce kiya tha. This is also important. In the 1950s, it's an approach that helps you identify irrational beliefs and negative thought patterns that may lead to emotional or behavioral issues. इसमें negative thoughts को positive thought की ओर बदलने की कोशिश करते हैं. In the behavioral modification theory, it uses a theory called operant conditioning. जो this means findings and understanding what makes a person behave the way they do. This therapy notes down the behaviors and teaches a person behavior modification techniques. इसमें टीच की जाती हैं नेगेटिव बिहेवियर को एक्सटिंग्विश करने की ख़त्म करने की कोशिश करते हैं. रियलिटी बेस्ड डायरेक्टिव काउंसलिंग इसमें प्रॉब्लम सेंटर्ड होती है. अप्रोच टू काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी विद थेरेपेटिक प्रोसेसेस डायरेक्टेड लॉन्ग लाइंस कंसिडर्ड रेलेवेंट बाय द काउंसलर और थेरेपिस्ट. प्रॉब्लम पर सेंटर फोकस किया जाता है. इसमें एम्पैथी नहीं बनाते हैं. So the correct answer of this question is person-centered humanistic approach dominated counseling. I think this session must be useful for all of you. आप सबको सभी explanations जो दिए हैं हर options के detail में सब समझ आ गए होंगे. And hope all of you must be doing well in preparing your preparations and all your dreams come true. All the best to all of you. Thank you.